अच्छा, और साउथ अफ्रीका तो 10 प्लेयर से खेलती है, वैसे ही आपको पता है। आपने अगेंस्ट पाकिस्तान देखा, फंस गए थे वो। 40-50 रन में बहुत बड़ा फर्क होगा, और होगा ये कि न्यूजीलैंड अगर जीत जाता है तो फिर 10 पॉइंट पे वो भी आ जाएगा। हेलो एंड वेलकम टू बार शॉट, मैं हूं सादिक सामसे। मैं हूं फवाद मुस्तफा। जनाब, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका बड़ा ही जबरदस्त मैच होने जा रहा है। इस मैच का इंतजार है। देखना यह है कि केम विलियमसन की बात हो रही है कि उसको अभी लेके आएंगे या फिर आगे थोड़ा सा, क्योंकि काफी हद तक वो तैयार होते जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के लिए मुझे बड़ा जबरदस्त फील अच्छा, आ रही है। साउथ अफ्रीका तो 10 प्लेयर से खेलती है, वैसे ही आपको पता है। आप पीछे पड़े बबूमा के, बबूमा का अच्छा, पीछे पड़े उस बेचारे के। पिछले मैच में जो आया था एकदम से छलांगे लगाता हुआ उस बेचारे को, तो मतलब उसका यही, अरे जीत गए, सोते से उठा हो वो भागा है, जीत गए जीत गए जीत गए। इंडियन फिल्मों के कुछ होते हैं एकदम भागते हुए आते हैं। Also the छोटा चेतन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है। बाबूजी पास हो गया, बाबूजी पास हो गया, फिल्मों में आते चिल्लाता हुआ एकदम से। एनीवेज, लेकिन यार क्या मस्त इंडिया खेल रही है। फॉरगेट एवरीथिंग यार, टू गुड फॉर एवरीथिंग। अच्छा, मैं इसलिए बहुत ज्यादा होपफुल हो गई हूँ कि इंडिया इज वेरी क्लोज टू विनिंग दिस वर्ल्ड कप। एक तो सारी चीजें उनके फेवर में, एक तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस, वो एक ह्यूज है। ऑब्वियसली जिस तरह से उनका क्राउड उनको सपोर्ट कर रहा है, उनका अपना होम ग्राउंड है, सारी सिचुएशन। और जब आप विनिंग स्ट्रीक पर होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो क्या है, वो कायनात का हर जर्रा भी वो वाली बात आ जाती है बीच में कि देन एवरीथिंग कनेक्ट्स फॉर यू, एवरी पजल सिट्स इन द राइट प्लेस फॉर यू। सो आई थिंक इंडिया इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। आज वाला जो मैच है ना सादिया, उसमें होगा ये कि ये जो दोनों टीमों में से जो जीतता है ना, वो इंडिया से आगे मुकाबले के लिए तैयारी करे। आज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच है। अवाम की राय जानते हैं कि वो कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, और कल एक बड़ा मैच है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का, तो अवाम के हिसाब से ये देखते हैं कि कौन सी टीम जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंचती है। आज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच है, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैं तो भाई साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करूंगा। क्योंकि यार कम से कम ये होगा कि अगर न्यूजीलैंड हारता है तो पाकिस्तान के चांस शायद हो जाए, और हमेशा जो है ना ये तो फीस सबिल्ला ही जीते, हो सकता है इस दफ़ा भी फाइनल या सेमीफाइनल तक पहुंच जाए। बड़ा मैच है, न्यूजीलैंड भी बड़ी टीम है। हाँ तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी कोशिश है कि साउथ अफ्रीका जीते, ज़्यादा अच्छा होगा। आज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच है, कौन सी टीम को सपोर्ट करें? मैं तो न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ, सही है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है। साउथ अफ्रीका के चांस ज़्यादा है क्योंकि वो टीम अच्छा खेल रही है। मैच बहुत टफ होगा, न्यूजीलैंड आपको पता है कैसे चल रही है, लेकिन मुझे लगता है साउथ अफ्रीका कमबैक करने के लिए अच्छा खेलेगी और जीतेगी। देखो साउथ अफ्रीका का ना, मुझे भी एक कमजोरी जरूर नजर आ रही है। एक तो उनकी 6 या 7 नंबर के बाद ना बिल्कुल फारिग हालात हैं। आपने अगेंस्ट पाकिस्तान देखा, फंस गए थे वो। 40-50 रन में बिल्कुल हालत अजीब सी हो गई थी। तो वो बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं 3-4 लोगों पे, अगर वो लंबे रन करेंगे तभी रन होते हैं। हमने न्यूजीलैंड के लिए देखा कि एंड तक, यस एंड तक फाइट इज गोइंग टू बी देयर। और आप कुछ भी कह सादिया, मुझे पता नहीं क्यों न्यूजीलैंड, हालांकि पॉइंट टेबल पे साउथ अफ्रीका ऊपर है, ज्यादा मजबूत और मुकम्मल टीम के तौर पे नजर आ रही है। उनके स्पिनर्स भी हैं, उनके फास्ट बॉलर्स भी हैं, फिर उनके जो बैटर्स हैं वो सब अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है, लेट्स से हम थोड़ा सा आगे वाले मैच में जाते हैं, एक दफा आपका सेमीफाइनल लाइनअप कंप्लीट हो जाए, वहां पर न्यूजीलैंड तबाही मचा सकता है। सो आई थिंक जो भी चाहिए टीम सामने आएगी, दे विल कम आउट एज अ स्ट्रॉन्गर कंटेंडर अगेंस्ट दैट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा फर्क होगा, और होगा ये कि न्यूजीलैंड अगर जीत जाता है तो फिर 10 पॉइंट पे वो भी आ जाएगा। तो चीजें ना हल्के हल्के फिर वाजे की तबाही होती चली जाएंगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, और न्यूजीलैंड पिछला मैच भी जीता हुआ हारा है, इसलिए न्यूजीलैंड मुझे नजर आ रहा है कि साउथ अफ्रीका को टफ टाइम दे सकता है और ये मैच जीत सकता है। और इंडिया तो ओवरऑल कर ही अच्छा रहा है। सो हु आर यू गोइंग टू टेक? ऐसा नहीं, मैं जाऊंगा न्यूजीलैंड के साथ। ठीक है, मैं भी न्यूजीलैंड के साथ ही जाऊंगी। आई एम नॉट गोइंग टू टेक साउथ अफ्रीका फॉर दिस टाइम। ऑल्दो मैंने आपके साथ जितनी भी आज तक टीमें पिक करी हैं, आप ज्यादा हारे हो, मैं ज्यादा जीती हूं। हां ये तो मुझे पता है, जीत तो आप रही हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो हमारे तो हालात को अच्छे चल नहीं रहे, तो इसलिए क्या दूसरी टीमों पे हम खुश होना पसंद कर रहे हैं। और परेशान किया हुआ है कि बस हम बस दुआओं पे ही चल रहे होते हैं। हर वर्ल्ड कप में हम दुआओं पे क्यों चलते हैं?
क्योंकि हमने पीछे से सिस्टम ही ऐसा रखा हुआ है क्या कि दुआओं की बकेट भरी रहे, बाकी मामला तो ऐसे ही हमने गंदे रखे। 92 का भी वर्ल्ड कप देख लें, इतना शोर मचता है ना, जीते हम दुआओं से, ये बारिश के एक पॉइंट से। मतलब क्यों ऐसा होता है कि हम तैयारी, अच्छा हर वर्ल्ड कप के बाद ना जब हम बुरा करते हैं ना, 19 में भी यही हुआ था, हम तैयारी ऐसी तैयार, इस बार जो है ना जब शुरू होता है 2 महीने पहले अगला वर्ल्ड कप, आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, हमारी तो बहुत सारी चीजें दुआओं पे चल रही हैं, वहीं वहीं पर खड़े रहते हैं, वैसे ही खड़े होते हैं। तो भाई वो कब वो सिस्टम आएगा कि जब हम एक तरह से इत्मीनान हमें आए कि नहीं जी इस बार हम तैयार हैं। वो बड़ा अफसोस होता है मुझे, सिर्फ 99 का वर्ल्ड कप था जो हम बहुत अच्छा खेले थे, ट्रू दैट, वो हम लोग बहुत जबरदस्त, उसके अलावा भी हम 79 में भी ऐसे बुरे, एक्चुअली वो वर्ल्ड कप में भी सेम ही था कि बहुत सारे प्लेयर्स जो थे उन्होंने उसके बाद रिटायर हो जाना सा था, दैट वाज द लास्ट थिंग दैट दे कुड डू द बेस्ट, प्रोबब्ली वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे गिव देयर बेस्ट। कुछ कर लो पीसीबी के, वो टाइम आए कि हम पहले से ये कह सकेंगे नहीं जी हमारी बेंच भी स्ट्रांग है, हम तैयार है, काश ये दिन आए। हम होप करते हैं ये वाला जो पीसीबी है जब चला जाएगा, उसके बाद जो नई मैनेजमेंट आएगी, उसके बाद जो नया सिस्टम आएगा, उस नए सिस्टम के साथ जब नए प्लेयर्स आएंगे, होप ही करते हैं, होप ही दुनिया उसके साथ कुछ हो जाएगा। टाटा बाय बाय।